अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके साथ ट्यूलिप सलवार की कटिंग शेयर करूँगी। बहुत ही ईजी मेथड है, आप वीडियो को आखिर तक लास्ट में देखिएगा। ये जो कोर्ड में जैसे मेरे पास कपड़ा है और ये देखें ये वाली ओपन वाली साइड है मेरे पास, तो यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ हमने ट्यूलिप सलवार के लिए जो है फोल्डिंग कहाँ से करनी है। ये कॉर्नर मैंने यहाँ से पकड़ा है और इस तरह से इसकी हाफ में इस तरह से फोल्डिंग करती है, और इसी तरह से दूसरी वाली साइड को मैंने कपड़े को पकड़ा है और उसके साथ ही मैंने इसको दूसरे कपड़े को इसके साथ यहाँ पे रख दिया। इसी तरह से हमने एक कॉर्नर को पकड़ के इस तरह से यहाँ पे सेट करना है और इसी तरह से दूसरे कॉर्नर को पकड़ के हमने दूसरी पहले वाले कॉर्नर के ऊपर रख देना है। तो ट्यूलिप सलवार के लिए हम यहाँ से इसके नोक नहीं रखेंगे, इसके नोक को थोड़ा सा हमने ख़त्म करना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इस तरह से राउंड देने के बाद यहाँ से मैंने कटिंग कर देनी है। यहाँ से सिर्फ हमने नोक ख़त्म करनी है, इसकी ज़्यादा गोल भी नहीं करना है, लेकिन हमने इसकी यहाँ से नोक ख़त्म करके यहाँ पे थोड़ी सी इसको यहाँ पे इस तरह से शेप दे देनी है। शेप देने के बाद मैंने उसी तरीके से कपड़े को सेट कर लिया है, हाफ़ इस तरफ से मैंने फोल्ड किया और हाफ़ उस तरफ से फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद यहाँ ऊपर वाली साइड पे जितना भी कपड़ा सेट हुआ है उस साइड से हमारी कटिंग होगी, और ऊपर जितना भी हमारा कपड़ा सेट हुआ हुआ है उसकी मैं कटिंग कर दूँगी। तो मैनी वाली साइड की वहाँ से कटिंग हो जाएगी। उससे पहले ये मैंने निशान लगा लिया और एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है उसको मैंने कट कर लिया है, और ये ऊपर वाली साइड पे क्योंकि इसकी लेंथ क्योंकि पूरी नहीं होगी तो इसके लिए मैंने ऊपर वाली साइड पे बेल्ट डालनी है। उससे पहले हम 5 इंच का मार्जिन छोड़ के जो है वो नीचे से मेजरमेंट कर लेंगे, लेकिन जैसे यहाँ से हम सिंपल ट्राउज़र की मेजरमेंट करते हैं उसी तरीके से हमने इसकी भी मेजरमेंट करनी है। तो इसकी मैंने यहाँ से मियानी जो है वो 17 इंच के हिसाब से मैंने यहाँ पे निशान लगा लिए हैं, नीचे तक 17 पे निशान लगाए हैं, और वहाँ से जहाँ मैंने 17 का निशान लगाया उस साइड से ही मैंने मैन्यू की साइड देखनी है। ये देखिए ऊपर वाली साइड पे मैंने 5 इंचेस का मार्जिन छोड़ के तो नीचे वाली साइड की इस तरह से मैन्यू को मैंने पूरा कर लिया और उसके बाद इसको राउंड दे दिया। जितनी भी आप मैन्यू रखेंगे इस तरह से ऊपर वाली साइड पर मार्जिन छोड़ के तो नीचे से पूरा कर लेंगे, और उसके बाद हम इस कपड़े को ये जो राउंड में हमने मैंने की साइड को किया है उसको हम कट करके अलग कर देंगे। उसके अलावा मैंने यहाँ पे निशान लगा दूँगी जहाँ पे हमारा ऊपर वाला कपड़ा जो है फोल्डिंग फोल्ड हुआ हुआ है पहले वाले कपड़े के ऊपर, और एक्स्ट्रा निशान लगा के तो उसको नीचे वाले कपड़े को मैं उतार दूँगी। इस पॉइंट पर निशान लगाने के बाद मैं एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से निकाल दूँगी अंदर वाली साइड से। उसके बाद हम जो है वो बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट के लिए जैसे मैंने इसकी चौड़ाई जो है वो 21.5 इंचेस ली है, और चौड़ाई इसकी मैंने लंबाई इसकी मैंने 7 इंचेस ली है। चौड़ाई 21.5 है और लंबाई इसकी 7 इंचेस है, और निशान लगाने के बाद यहाँ पे मैं इस कपड़े को उतार लूँगी इसकी चौड़ाई और लंबाई देखने के बाद। और बेल्ट रेडी करने के बाद हमारी ट्यूलिप सलवार की कटिंग बिल्कुल तैयार है। इसकी स्टिचिंग भी बहुत ही इजी है, और यहाँ पे मैं आप लोग को ट्यूलिप सलवार की कटिंग का जो फाइनल लुक दिखा देती हूँ। इसकी इंशाल्लाह मैं स्टिचिंग भी आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। तो ये इसकी कटिंग जो है वो हो गई हुई है, ये इसकी बिल्कुल फाइनल लुक है, ये आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखें बहुत ही आसान मेथड है इसका और इजीली इसकी कटिंग हो जाती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं नई वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।